हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनी इन द बैंक 2020 में होने वाले सभी मैचेस के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि उन मैचेस में किन सुपरस्टार्स के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रे वाइट के मैच के बारे में, जो कि हो रहा है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, WWE ने अनाउंस कर दिया है कि इस मैच में ब्रे वाइट के दूसरे कैरेक्टर यानी कि द फिंड फाइट नहीं करेंगे, बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमन से ब्रे वाइट फाइट करेंगे। और क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन ने रेसलमेनिया 36 में बिल गोल्डबर्ग को हराया है, इसलिए वो अभी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रे वाइट द फिंड के मुकाबले कमजोर भी हैं। इसलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन उनका यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर लेंगे ब्रे वाइट को हराकर। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट के मैच में कौन जीतेगा, द मॉन्स्टर अमंग मेन या फिर ब्रे वाइट? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच के बारे में, जिसके लिए अभी तक 5 सुपरस्टार्स क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि हैं एलिस्टर ब्लैक, अपोलो क्रूज, डैनियल ब्रैन, रे मिस्टेरियो और किंग कॉर्बिन। और अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में डॉल्फ ज़िगलर और ओटिस का मैच होगा, जिसमें जीतने वाला मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाई कर जाएगा। दोस्तों, इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं एलिस्टर ब्लैक के। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस साल का मेंस लैडर मैच कौन जीतेगा, कमेंट्स मुझे बताइए। दोस्तों, इस साल के वुमेन्स लैडर मैच में हिस्सा लेंगी शाइना बेजदर, नाया जैक्स, आस्का, डेना ब्रूक और लेसी वांस। और अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कार्मेला फेस करेंगी मैंडी रोज को, और इन दोनों में से जीतने वाली वुमेन्स लैडर मैच में क्वालिफाई कर जाएंगी। दोस्तों, इस साल का वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं शाइना बेजदर और नाया जैक्स के। तो दोस्तों, अब आप भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल का मनी इन द बैंक लैडर मैच रिंग के अंदर ना होकर WWE के हेडक्वार्टर्स में होगा और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट WWE के हेडक्वार्टर्स के छत पे रहेगा। तो सुपरस्टार्स को इस साल का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए एक फ्लोर से लड़ते हुए दूसरे फ्लोर पर जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मैच को WWE हमें कैसे दिखाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि हो रहा है चैंपियन ड्रू मैकइंटायर और चैलेंजर सेथ रॉलिंस के बीच में। दोस्तों, सेथ ने ड्रू पर अटैक करके उन्हें चैलेंज कर दिया था WWE टाइटल मैच के लिए, और ड्रू मैकइंटायर ने भी सेथ का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे दोस्तों, अगर इस मैच में देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, पर अगर सेथ रॉलिंस की मदद बडी मर्फी या फिर ऑथर्स ऑफ पेन करते हैं तो सेथ रॉलिंस जीतकर WWE चैंपियन बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी कमेंट्स बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों के मैच में कौन जीतेगा, द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर या फिर मंडे नाइट मेसिया सेथ रॉलिंस? और दोस्तों, मनी इन द बैंक पेपरव्यू इंडिया में सोमवार 11 मई की सुबह 4:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 पड़ेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।